गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज कुमार मिश्र आज आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ, विज्ञान पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले विज्ञान होता क्या है उसके बारे में ध्यान दीजिए। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है, विधन ज्ञान। वी का मतलब होता है क्रमबद्ध और ज्ञान का मतलब नॉलेज, ज्ञान ज्ञान नॉलेज होता है। तो किसी वस्तु के क्रमबद्ध व्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है भोजन, फूड। क्या है? भोजन, फूड, जीवधारियों में पोषण। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? भोजन, फूड। भोजन क्या है आप जानते हैं? भोजन जीवधारियों की वृद्धियों विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक आवश्यकता है। क्या है? भोजन जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मौलिक आवश्यकता है। यह शरीर के लिए ईंधन का स्वरूप है। अभी आपको बताया गया कि भोजन एक आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भोजन कार्य करने हैं, खेलने हैं तथा अन्य शारीरिक कार्य करने हैं, ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा, वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए भी यह उपयोगी है। रोगों एवं संक्रमण के प्रतिरोध हेतु शक्ति प्रदान करता है, इसलिए भोजन अति आवश्यक है। अब इसमें सबसे पहले पोषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। एक जीवधारी द्वारा वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिस क्रिया को करना पड़ता है उसे पोषण कहते हैं। क्या है? एक जीवधारी द्वारा वृद्धि एवं विकास के लिए जो क्रिया करना पड़ता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार जीवधारियों में पोषण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, और दूसरा होता है परपोषी पोषण। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह स्वपोषी होते हैं। इनमें जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? स्वपोषी, क्योंकि यह भोजन ये स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं भोजन स्वयं बनाते हैं। ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश की सहायता से सूर्य की उपस्थिति में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। किसे? हरे पेड़ पौधों को। और दूसरा होता है परपोषी पोषण, जो जीवधारी में जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य जो है ये परपोषी होते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम हरे पेड़ पौधे या विभिन्न जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, इसलिए हम परपोषी के अंतर्गत आते हैं। हमारे में जो पोषण होता है वो परपोषी होता है। अब प्रकाश संश्लेषण, अब समझिए क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर परिधारित तथा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग परिधारित तथा सूर्य
के प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें एक अभिक्रिया होती है, क्या होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ हम जल की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराते हैं? जल की अभिक्रिया कराते हैं। और इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश और पड़ रहे हैं। सूर्य के प्रकाश और प्रणहरित अभिक्रिया के द्वारा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन, जो एक पादप के लिए अति आवश्यक है, एक पादप के लिए अति आवश्यक है। C6H12O6+O2, इसको आप बैलेंस कर देंगे। जब इसको आप बैलेंस कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। तो क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे जैसा तथा इसके अंतर्गत पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर प्रणहरित तथा सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, तो उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। उसमें क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश और प्रणहरित की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अब आगे है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। क्या है? प्रकाश संश्लेषण का महत्व। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के महत्व में आप समझिए, यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। दूसरा इसका महत्व है, विश्व में संपूर्ण जीवधारियों के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पन्न हुई इस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन
पादपों और प्राणियों में श्वसन क्रिया के लिए अनिवार्य है। इस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हुई ऑक्सीजन पादपों अर्थात पेट पौधों एवं मनुष्यों के श्वसन या वायुमंडल में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन बनाए रखता है। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन बनाए रखता है। आप सबसे पहले एक बार पुनः इसका अभिनंदन करा दें। चैप्टर का नाम क्या है? भोजन। भोजन क्या है? भोजन आप कह सकते हो कि जीवधारियों की वृद्धि एवं विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है। भोजन की आवश्यकता क्यों है? आपको बताया गया कि भोजन अनेक कारणों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह हमें कार्य करने के लिए, विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्य करने के लिए, खेलने के लिए हमें एक ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर के अंतर्गत रोगों एवं संक्रमण के प्रतिरोध एवं शक्ति बढ़ाने में भी भोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया पोषण। पोषण क्या होता है? समस्त जीवधारी वृद्धि एवं विकास के लिए ऊर्जा प्राप्ति हेतु जिस क्रिया को करते हैं या जिस क्रिया को करना पड़ता है उस क्रिया को ही पोषण करते हैं, और जीवों के आहार के विभिन्न घटकों का योगदान एवं उनका अध्ययन विज्ञान के जिस शाखा में किया जाता है उसे हम पोषण विज्ञान भी कहते हैं। क्या? जीवों के आहार के विभिन्न घटकों का योगदान एवं उनका अध्ययन विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे पोषण विज्ञान कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत मैंने बताया कि स्वपोषी क्या होता है, आप जानते हैं कि जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। और मनुष्य या जो प्राणी है, जो जंतु है, जंतु जो है ये अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, पौधों पर ही निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहा जाता है। अर्थात जंतु परपोषी होते हैं और हरे पेड़ पौधे, हरे पादप वह स्वपोषी होते हैं। अब आपको बताया गया कि ये जो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, इसमें एक प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। आपको बताया गया प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में आपको बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग कर प्रहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में एक रासायनिक
अभिक्रिया होती है जिसके द्वारा ये भोजन अपना बनाते हैं। आपको अभिक्रिया भी बता दिया गया, प्रकाश संश्लेषण के महत्व आपको बताया गया। प्रकाश संश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है आप सबसे पहले जान गए कि भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। विश्व सर्वोपरि भोजन के लिए प्राथमिक स्रोत भी है, क्योंकि इसी के द्वारा ही भोजन को अपना बनाते हैं। प्राथमिक स्रोत भी इसको कहा गया। इसी प्रक्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है वह सभी जीव प्राणियों के लिए भी और प्राणियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी संपूर्ण जीवधारियों के लिए कर सकते हैं। यह विश्व के संपूर्ण जीवधारियों के लिए भोजन का प्राथमिक स्रोत है और प्रकाश संश्लेषण से जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है यह पादपों और प्राणियों के लिए श्वसन भी आवश्यक है। इसके लिए प्राणियों के श्वसन भी यह आवश्यक है, क्योंकि श्वसन क्रिया में इसकी आवश्यकता होती है। यह वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मध्य संतुलन बनाए रखता है। तो आज बस इतना ही, जितना भी आप लोगों को बताया गया इसको ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और इसे कॉपी पर आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर कल आप उसके बताया जाएगा। धन्यवाद।